नमस्कार, स्वागत है आपका हापुड़ हलचल में और मैं हूं हफ्सबाना सिद्दीकी। जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ पुलिस टीम ने क्षेत्र में दो दिन पूर्व हुए कलेक्शन एजेंट के साथ लूट की घटना का पर्दाफाश करते हुए घटना कार्य करने वाले तीन लुटेरों को किया गिरफ्तार। उनके पास से लूटा हुआ टैबलेट, एक एटीएम कार्ड, पैन कार्ड और एक मोटरसाइकिल, दो तमंचा 315 बोर, जिंदा कारतूस व टूटे हुए मोबाइल का एक टुकड़ा बरामद किया गया। इसके अलावा उनके कब्जे से 25,080 रुपये भी बरामद किए। एएसपी सर्वेश मिश्रा ने बताया कि इंद्रीश को शब्बीर पर धारा 302 के तहत थाना देहात में मुकदमा दर्ज है और इनका क्रिमिनल इतिहास खंगाला जा रहा है। सर, बाबूगढ़ पुलिस ने खुलासा किया है, क्या है पूरा मामला? दिनांक 10 मार्च को कलेक्शन एजेंट के साथ हुई लूट की घटना का बाबूगढ़ पुलिस एवं एसओजी टीम सी द्वारा सफल अनावरण किया गया है। इसमें तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 25,000 रुपया नगद, नाजायज असलाह, टैबलेट, पैन कार्ड तथा अन्य जो लूटी हुई चीज़ें बरामद की गई हैं। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल की भी बरामदगी की गई है। शेष अन्य जो तीन अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें प्रयासरत हैं। उत्साह वर्धन हेतु टीम को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसमें क्या कोई महिला भी शामिल बताई जा रही है, जैसे कि सूचना मिल रही है? नहीं, महिला के बारे में ऐसा भी हमें कोई इंटेलिजेंस नहीं मिला है, किंतु जिसके पास से उसने पैसा कलेक्ट किया था उसका हस्बैंड आमिर, उसके द्वारा इसमें मुखबिरी की गई थी और वो अभी फरार है, उसी गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। सर, जो पकड़े गए अभियुक्त हैं उन पर आपराधिक इतिहास है पहला कोई? इसमें एक लिसाड़ी गेट का इद्रीस है, इसके विरुद्ध पहले से मुकदमे पंजीकृत हैं। अन्य जो अभियुक्तगण हैं उनके आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। थैंक यू, धन्यवाद। और भी ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हापुड़ हलचल।